जब कोई डायबिटिक होता है तो जो मधुमेह का रोगी है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि किस अनाज का सेवन करें हम। जब मधुमेह की बात आती है तो मधुमेह के रोगी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि अनाज के रूप में हम क्या सेवन करें, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मधुमेह के रोगियों के लिए कोई निरापद अनाज है तो मैं कह सकता हूँ कि जौ सबसे निरापद अनाज है। तो जौ के रूप में आप मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रयोग है, बहुत लाभकारी प्रयोग है। जैसे आप 10 ग्राम जौ ले लें और 5 ग्राम तिल ले लें और 3 ग्राम मेथी ले लें। मेथी, तिल और जौ, यदि इसको रात को दरदरा कूट करके मिट्टी के बर्तन में 400-500 ग्राम पानी में आप भिगो दीजिए। भिगो करके सुबह आप उसको मसल लें, वो थोड़ा बैठ जाएगा, थोड़ा लेसलेसा हो जाता है मेथी की वजह से। फिर थोड़ा सा बैठ जाने के बाद में उसको नितार करके छान करके पिएं। यदि सुबह खाली पेट नियमित रूप से पीते हैं तो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रयोग है, बहुत लाभकारी प्रयोग है। और जिनको डायबिटीज़ की वजह से दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं रहती हैं, किडनी डैमेज होने की, रेटिनोपैथी की या और दूसरी जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको रोकने के लिए भी यह एक अचूक, बहुत ही सुलभ, बहुत ही सरल औषधि है।